हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। देखिए दोस्तों, आजकल मेरे गार्डन में हर जगह बड़े खूबसूरत खूबसूरत जंगली पौधे उगे हुए हैं, जो कि पौधे भी हैं और जड़ी बूटी भी है। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपको दिखाता हूँ ये पौधा, जिसका फूल बिल्कुल पॉपी जैसा होता है, कांटे बहुत होते हैं, पत्तों पे भी कांटे होते हैं और तनों पे भी कांटे होते हैं। दोस्तों इस पौधे को बोलते हैं पीला धतूरा, जो कि कॉमन नेम है इसका, या इसे आयुर्वेद में बोला जाता है सत्यानाशी। सत्यानाशी इसलिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा लाभकारी पौधा है। इसके रस को अगर आप घाव पे लगाएं तो घाव जल्दी भरता है। इस पौधे से बहुत ही अच्छे इफेक्ट मिलते हैं घाव में, उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये घाव को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। पीलिया में इसका यूज़ किया जाता है। पीलिया में इसे आधा चम्मच इसका गन्ने के रस में मिला करके लिया जाए तो पीलिया जल्दी ठीक हो जाता है। इसके इन्हीं लाभों को देखते हुए इसे सत्यानाशी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों में यूज़ होता है। और भी मैं इसके यूज़ बताता हूँ। इसके फूल और पत्तों को कांटों से अलग करके सुखा कर पीस लें और गर्म पानी से अगर इसे आप लें तो दमा की समस्या ठीक हो जाती है। आधा चम्मच इसके रस में मिश्री मिला कर लें, वो भी तमा में फ़ायदा देता है। तो आप देख रहे हैं कि एक पौधा जो कि हम घास में ही देखते हैं, हमें लगता है कि किसी काम का नहीं, इसके कितने लाभ होते हैं। छाले होने पर अगर आपकी इसके पत्तों को कांटे अलग करने के बाद चबाएं तो इससे जल्दी आपका पेन तो तुरंत रुक जाता है और छाले भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को तुतलाने की हकलाने की दिक्कत होती है, वो लोग अगर इसके रस को जीभ पर टपकाएं एक दो बूंद डेली तो काफ़ी आराम मिलता है, उनकी तुतलाहट और हकलाहट काफ़ी कम हो जाती है। दांतों में कीड़े लग जाएं अगर तो उसमें भी ये बहुत काम आता है। इसके तने की दातुन बनाकर आप कीजिए, ये आपके दांतों में से कीड़ों को जड़ से ख़त्म कर देता है। गैस और कब्ज़ में ये बहुत अच्छा है। गैस और कब्ज़ में आप इसकी जड़ और अजवाइन का काढ़ा बना लें और उसे लें। इसकी जड़ मैन विलनेस के लिए भी यूज़ की जाती है। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इससे बनी हुई दवाइयाँ अवेलेबल हैं। एलर्जी में ये काफ़ी काम आता है। इसके बीज और इसके रस को के मिश्रण को मिलाकर आप जिस जगह एलर्जी हो रही है वहाँ पे लगाइए तो उसमें काफ़ी लाभ होता है। और गठिया में ये बहुत यूज़ होता है। गठिया में इसे यूज़ करने के लिए आप इसके रस में लहसुन को मिलाकर पका लें और जो काढ़ा तैयार तेल सा तैयार होता है मिश्रण, उसे उस भाग पर लगाएं जहाँ पर गठिया से प्रभावित है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपने देखा दोस्तों, मैंने ही इसके 12-13 फ़ायदे आपको गिना दिए। इसके अलावा भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप इसका आयुर्वेद में खोलेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा चैप्टर मिलेगा और आप समझ जाएंगे कि इसे सत्यानाशी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीमारियों का सत्यानाश कर देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है पूरी तरह से। यही वजह है। लेकिन इसे स्वर्ण छड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रस होता है वे सुनहरे रंग का होता है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो इसमें कांटे बहुत होते हैं, पत्तों पे भी कांटे होते हैं, इसे पकड़ने में ही चुभ जाएंगे मेरे को कांटे। देखिए आप देख रहे होंगे, ये पीले रंग का रस होता है इसका, बिल्कुल सुनहरा होता है ये, तो इसीलिए इसे स्वर्ण छरी भी बोलते हैं। ये देखिए, ये बह रहा है पीले रंग का रस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी, अगर आपके गार्डन में ये होगा या घर के आसपास कहीं होगा, तो ये खूबसूरत प्लांट आप लगाएंगे, इसकी फूल की खूबसूरती को भी इंजॉय करेंगे। मुझे इसका फूल बिल्कुल पॉपी जैसा लगता है, अगर आपने गौर किया, पॉपी का फूल भी ऐसा ही होता है, ये ज़्यादा सुंदर होता है पॉपी से। लेकिन लोग इसे झाड़ी सोच कर इसे घर में नहीं लगाते, हम लोगों का माइंड सेट ऐसा ही होता है कि ये झाड़ी है तो फूल भले ही अच्छा हो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये एक जड़ी बूटी है, फूल भी सुंदर होता है और ये आपके लाभ तो पहुँचाती ही है। जैसे जोड़ों का दर्द ज़्यादा एज में हो ही जाता है तो उस कंडीशन में काफ़ी लाभदायक है। घर में हो तो आप इसका ऑयल बना लें और यूज़ करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।